सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेडी और आज इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं रियलमी C3 की। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी नाजो 10 है, उसके बाद रियलमी 6, तो मतलब मोस्ट ऑफ डिवाइसेस मैंने कवर कर दिए हैं और आज इसके बारे में एक हॉनेस्ट रिव्यू आपको बताने वाला हूँ। तो बात करेंगे कैसा चलता है, गेमिंग परफॉर्मेंस क्या रहेगा। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको एक पीसी बिल्डिंग करनी है, अगर 5000 रुपीज़ के अंदर एक पीसी बिल्ड करना है, वरना अगर आपको नहीं पता कि कैसे पीसी बिल्डिंग करते हैं, पार्ट्स कौन से यूज़ करते हैं, उसी के साथ साथ कौन से जो है मतलब असेंबल कैसे करते हैं, कौन सा SMPS पावर सप्लाई यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैंने जो है एक ग्राफी में एक्सप्लेन की है। ग्राफी करके एक एप्लीकेशन है, उसमें एक्सप्लेन की है। ऑब्वियसली ये फ्री नहीं है, इसमें पेड है, लेकिन ये 299 रुपीज़ मतलब एकदम बहुत कम में मैंने आपके लिए जो है अवेलेबल किया हो। तो इनकेस अगर आपको इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ों में कि उसको कैसे बनाते हैं, असेंबल कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर विंडोज़ कैसे मारते हैं, सारी चीज़ें आपको उसमें बताएं, तो आपको जो है आई होप बहुत अच्छी लगेगी। तो आप ज़रूर से जाके एक बार वो भी चेकआउट कर लो, ठीक है गाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिज़ाइन सेम टू सेम आपको रियलमी नार्जो की तरह ही दिखती है। नार्जो 10 एक ही बात कर रहा हूँ मैं, 20 नहीं, तो वैसे ही आपको थोड़ी बहुत डिज़ाइन दिखती है। बट बैक जो है आपको वो यहाँ पे आपको पैटर्न वाली बैक थोड़ी सी मिलती है जो कि आपको वहाँ पे मिसिंग है। बट दोनों के जो है अलग अलग लुक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कहाँ पे कुछ अलग है, तो दोनों भी जो है एकदम बहुत अच्छे, मतलब अपने अपने लुक से डिपेंड है। तो यहाँ पे गाइज ये मैंने बाय किया है 10,000 रुपीज़ में, 4GB रैम वाला और 64GB इंटरनल वाला फ़ोन। तो यहाँ पे गाइज अगर इसकी जो है डे लाइट की बात करें, तो डे में भी आपको जो है अच्छी सी लाइट मिलती है। अगर आप बाहर हैं तो आउटडोर में भी आपको जो है अच्छी लाइट मिलती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, अभी दोपहर चल रही है। और बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की, तो गाइज सारी चीज़ें जो है जो मैं एक वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता, इसके लिए मैंने गेमिंग टेस्ट जो है अलग से रखी है। तो इनके साथ लेना ही है ये फ़ोन, तो गेमिंग टेस्ट पहले देख के जाना कि गेमिंग में कैसा परफॉर्म करता है। बाकी कैमरा क्लैरिटी और सारी चीजें यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। तो स्क्रीन पे देख लो आपको कैसी कैमरा क्लैरिटी मिलती है। फ्रंट कैमरा तो आपने देख ही लिया, इसी के साथ साथ आपको बैक कैमरा भी बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं यहाँ पे मेगापिक्सल और सारी चीजें नहीं बात करूंगा, आपको कैसा रियलिटी में कैमरा मिलता है वो बता रहा हूं। तो पोर्ट्रेट बहुत अच्छा लगा, पोर्ट्रेट एक नंबर निकला है। तो ये सारी सीन यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है। तो बाकी अगर ओवरऑल बात करें क्लैरिटी की, तो बहुत अच्छा है। मैं इसके बाद आपको वो भी बताऊंगा कि फ्रंट कैमरा के वीडियोस कैसी काम करती है, तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आई होप आप लोगों को उसमें भी इंटरेस्ट रहेगा, तो वो भी आप ज़रूर जाकर चेकआउट करो। बात करेंगे हीटिंग इशू की, तो यहाँ पे आपको कोई भी हीटिंग इशू नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हीलियो G70 प्रोसेसर मिलता है। हीलियो G70 प्रोसेसर में कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। हीलियो G90 और G95 में आपको हीटिंग इशू मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया रियलमी 6 का। तो अगर आप रियलमी 6 लेने की सोच रहे हो, तो पहला वो वीडियो देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी वो आपके लिए वीडियो, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैमरा क्लैरिटी देख लो, बैक कैमरा में आपको जो है बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है, उसी के साथ साथ फ्रंट कैमरा भी आपको बहुत अच्छा मिलता है, तो उसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता है। तो बाकी अगर बात करो 10,000 रुपीज़ के बजट में और भी आपको क्या मिलेगा, तो यही है जो भी आपको पैकेज मिलता है। गेमिंग टेस्ट की अगर बात करो, तो यहाँ पे आपको जो है ये HD में, अभी फिलहाल न्यू एरा का जो अपडेट आया है उसमें आपको जो है HD में ये पूरा जो है हाई तक जाता है, ठीक है। एक्सट्रीम तक कोई भी इसमें नहीं जाता है, क्योंकि 10,000 रुपीज़ का बजट है और आप इतना एक्सपेक्ट भी मत करो इससे, ठीक है। तो अभी बात करेंगे कि फ्रंट कैमरा की वीडियो कैसी निकलती है, तो देख लो आप। तो गाइज़ ये है फ्रंट कैमरा क्लैरिटी, देख लो कैसी है। तो क्लैरिटी तो ठीक ठाक है, मतलब देखो यहाँ से रोशनी आ रही है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो क्लैरिटी तो मेरे को ठीक ठाक लगी है, इतनी कुछ बुरी नहीं लगी है। देखो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है फ्रंट कैमरा में, मतलब थोड़ा सा ISO का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जब भी मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क में जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा लाइट में आता हूँ, बट ठीक है, फिर भी मतलब मैनेजेबल है। तो आई होप गाइज आपको जो है वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इनकेस अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जो है गेमिंग टेस्ट आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, वो एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी, उसके लिए आप ज़रूर से स्टे ट्यून रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, और आपको कौन सा अच्छा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, माय नेम इज शेडी एंड आई एम साइनिंग आउट।